कल इन्होंने एक ड्रामा किया था भी ये दिल्ली में जाके नड्डा साहब को मिले, जो कि ये फूड एंड सिविल सप्लाईज या फर्टिलाइजर मिनिस्टर को मिलते, क्योंकि अपने क्योंकि वहाँ जाके मिनिस्टर को क्या, या अगर वो जवाब में पूछते तो अपने ये बताते भी हम निकम्मे, हम इस चीज़ का प्रबंध नहीं कर पाए। आज पंजाब के गवर्नर साहब को हमारा रिप्रेजेंटेशन पूरी हमने दी है और उसमें यही इनसे प्रार्थना की है भी पंजाब जो पंजाब के किसान हैं जो आज सड़कों पे बैठे हुए हैं उनको वहाँ सड़कों से उठाया जाए प्यार मोहब्बत से। क्यों ये जो मौजूदा आम आदमी पार्टी की सरकार है, जब सेंट्रल सरकार ने 44,000 करोड़ रुपया इनको दे दिया है, तो ये इन निकम्मी सरकार क्या कर रही है, क्यों ये धान को उठा नहीं पा रही? तो इस पे गवर्नर साहब ने संगीन उन्होंने देखा है और सारे सिस्टम को समझते हुए उन्होंने कहा हम हमारी रिक्वेस्ट पे भी हम सरकार से बात करके इसको हल करने की कोशिश करेंगे। ये भगवंत मान की सरकार, देखिए कल इन्होंने एक ड्रामा किया था भी ये दिल्ली में जाके नड्डा साहब को मिले, जो कि ये फूड एंड सिविल सप्लाईज या फर्टिलाइजर मिनिस्टर को मिलते, क्योंकि जो डीएपी है वो डीएपी अगर इनको मिल नहीं रही तो उसका जुम्मा किसका है? वो नड्डा साहब ने थोड़ा करना है, वो जाके बीजेपी के प्रधान थोड़ा करेंगे। सो ये अपनी नाकामियां अपने, क्योंकि वहाँ जाके मिनिस्टर को क्या, या अगर वो जवाब में पूछते तो अपने ये बताते भी हम निकम्मे, हम इस चीज़ का प्रबंध नहीं कर पाए। एक दूसरे के ऊपर आरोप लग रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आपकी सरकार सेंटर से सही नहीं कर रही है, वो आप कह रहे हैं वो नहीं कर रहे, क्योंकि किसान पीस रहे और आम जनता भी। देखिए हल कैसे, आप देखिए, अगर तो सेंटर की कोई गलती है सेंटर सरकार की, तो आप हम पे दोष, हम उसका जवाब देंगे ना। सेंटर ने तो स्टेट गवर्नमेंट को पैसा देना है धान खरीदने के लिए, वो दे दिया,